तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका पोकेमोन अनबाउंड के ब्रांड न्यू एपिसोड में स्वागत है। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड चेक नहीं करा तो जल्दी से जाकर चेक कर लीजिए, क्योंकि दाल के बिना चावल का मज़ा नहीं आता। सॉरी, तो हम गेम की तरफ वापस आते हैं। तो पिछली बार हम बेलिन टाउन में प्रोफेसर लो का पार्सल लेकर आए थे, लेने गए थे, बट शेडो ग्रांट का एक मेंबर था, उसने वो पार्सल चुरा लिया और वो उसे लेके नॉर्थ फ्रोजन की तरफ चला गया। हमने उसका पीछा करा और हमने उस पार्सल ले लिया, और उससे पहले वो हमें रिपल देके भाग गया था, हमें बेवकूफ़ बना के। जब मैंने पोकेमार्ट में रोक लिया तो उसे, पर वो हमें बेवकूफ़ बना के चला गया। फिर हम नॉर्थ फ्रोजन में जाके उसे रोका और फिर उन्होंने उसमें से मास्टर बोर्ड ले ली और मुझे पार्सल दे दिया। मुझे पता भी नहीं चला कि उन्होंने मास्टर बोर्ड ली है कि नहीं ली। फिर मैं प्रोफेसर लो के पास आया और फिर मैंने उनको वो पार्सल दे दिया। अब हमें ड्रेस्को टाउन की तरफ जाना है और उन्होंने हमें पोकेडेक्स दिया है एक, जो हमें ऋषभ को देना है। तो अब हम ड्रेस्को टाउन की तरफ चलते हैं, जो कि आईसी केव से होकर हम जा सकते हैं ड्रेस्को टाउन की तरफ, और हमें इनके जो दोस्त हैं प्रोफेसर, तो ये काम हम चलते हैं गाइस। सब चलो फिर, तो अब हमें आईसीसी केव की तरफ जाना है, तो चलते हैं गाइस आईसीसी केव के पास। और उससे पहले हमें दो चार पोकेमोन मिल जाते हैं जो हमारा दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो चलो ऊपर की तरफ। ये रहा वो आईसीसी केव, बट सबसे पहले अपने पोकेमोन हील करा के आता हूँ। तो गाइस हमने थोड़ा आइटम ले लिया, अब चलते हैं हम आईसीसी केव से हमारे ड्रेस्को टाउन की तरफ। तो अंकल जी, अब जा सकते हैं हम? हाँ ठीक है ठीक है, हमने दे दिया उनको पार्सल। ठीक है, चलते हैं गाइस। अब हम आईसीसी केव के अंदर, और आईसीसी केव 4F पता नहीं क्या लिखा आ गया है। ये बंदा हमसे फाइट तो नहीं करेगा ना? ना, आईसीसी केव के बारे में बता रहा है ये। अब चलते हैं हम, मस्ट बी एंटरटेनमेंट केव, पता नहीं क्या बताया इन्होंने। एक हमें मिल चुका है ब्रीमाइट, जो हमारे किसी काम करनी है, हमें फ़ाइट नहीं करनी। ओहो, फिर हार्ड अटैक। अब बैटल कर ही लेते हैं जब मिल गया है तो। इतनी इतनी चलती रहती है। हाँ, गो इन एंटर विद सीढ़ियों के साथ हम नीचे की तरफ चलते हैं, और पीछे नॉइस के लिए सॉरी। और हमें एक स्वाइनअप मिल चुका है, स्वाइनअप जो मुझे नहीं चाहिए स्वाइनअप, बट इतने महान है कि हारेगा जब भी मुझसे लड़ रहा है, इसे हरा देता हूँ। फिर चलते हैं, चलो गाइस चलते हैं हम आगे तरफ। तो ट्रेनर टिप्स दे रहे हैं, एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ेंगे। ओके ओके ठीक है, जो मेरे पास पोकेमोन होगा उसके भी एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ेंगे ना, दोनों के एक साथ, ये बोल रहे हैं ना। स्पीएल मिल चुका है, अच्छा पोकेमोन है स्पीएल, पर मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि हमें एक बढ़िया पोकेमोन पकड़ना है जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर वो मिल जाता है जब तो मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा। प्रिपेयर टू फेस ऑन एम अनबीटेबल पावर ऑफ माई शोर्स। दिखा भाई तेरे अंदर क्या पावर है। यंगस्टर डोन शोरेंट स्नोरेंट, तो मेटल बैश का हमला, उड़ा दो इसे आसमान में। वेल्डम सुपर इफेक्टिव मूव और 66 एक्सपीरियंस पॉइंट। रैगन रोला रोगन रोला, अब आ जा भाई तेरा क्या हाल होगा। एक और ले मेटल बैश। और ये रैगन रोला भी गया भाई काम से, नहीं हारेगा तू। अरे तेरा ताऊ भी हारेगा, रुक जा। एक और मेटल बैश और उड़ा दो इसे आसमान में। कैसा लगा मेरा मजाक? सुपर इफेक्टिव मूव के साथ 61 एक्सपीरियंस पॉइंट। अब चलते हैं हम आगे। जाने से पहले मैं अपना रिपल यूज़ कर लेता हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए कि रिपल नहीं यूज़ करा तो बीच में पोकेमोन आके परेशान करेंगे। चलते हैं आगे। ऊपर की तरफ पोकी बॉल है। पोकी बॉल कैसे लूँ? मिल गई एक तो एस्केप रोप मिली है, और मेरे पास वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, तोड़ने के लिए मूव होता है ना, वो नहीं है अभी मेरे पास। उसको क्या क्या कहते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को। लुक एट माई क्यूट पोकेमोन, मैंने क्यूट पोकेमोन्स को देखो। तेरे क्या है तेरे क्यूट पोकेमोन उसमें दिखा? वेनिलिट लड़की है क्या? तो वेनिलिट को मेटल बैश उड़ा दे, या आइसक्रीम को, वेनिलाइट वेनिलाइट सॉरी। 66 एक्सपीरियंस पॉइंट और एक स्मोचम। गो बेल्डम यूज मेटल बैश कॉपी कैट। अरे भाई, ओ भाई मेटल बैश दे रही है स्टील टाइप पोकेमोन के ऊपर। अरे तू तो गई स्मोचम, तूने गुस्सा दिला दिया बेल्डम को, नहीं तो बच जाती तू यार। जा भाई जा, फिर दूध पी ले जा, नहीं टॉफी खा ले जा। चैन सी हमारे पोकेमोन हील कर देगी, चैन सी। ओहो पोकेमोन फ्री फोकट में हील हो चुके हैं, आगे चलते हैं। ओ ये कौन है? ओहो इट्स सो कोल्ड इन केव, ये केव कितना ठंड है ना, इस केव में कितनी ठंड है ना। माई टॉय सीज आर फ्रीजिंग ही। हा
क्या बोल रहा है? तो यू आर चैलेंज्ड बाई ब्लैक बेल्ट रोन। मैं खुई था आजा भाई, मेटल बैश उड़ा दो इस मैं खुई था को। ओ आर्म थ्रस्ट, सॉरी गाइस पीछे नॉइस के लिए। तो एक और मेटल बैश और उड़ा दो इसे। अब इसकर की एक और मेटल बैश उड़ा दो। ओ लोकी करे भाई तेरा क्या होगा, रुक जा तेरे तो मैं बैंड बजाऊं। पे बैक ओ माई, तेरी भैंस की टांग पे बैक यूं। भाई क्या खा गया है तू उस करगी यार, तू तो मुझे पूरे मरवाएगा क्या? तो गाइस हमने इस बंदे को हरा दिया, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। कौन माता है, तो ये पानी का समुंदर गिरा हुआ है, या मुझे लगता है सीढ़ी सीढ़ी से जाना पड़ेगा, और मेरे पास रॉक क्लाइंब भी नहीं है जिससे मैं यहाँ चढ़ सकूँ। ओहो यूज़ करना है रिपल, यूज़ करना है। हमारी रिपल पावर कमज़ोर हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल ही। आगे चलते हैं, और जाने से पहले मैंने चेक नहीं करा मेरा बेल्डम। ओहो माय गॉड, मैं भूल गया था उसके पास पे बैक मूव था। चैंसी चैंसी चैंसी। अब हमारे चलते हैं आगे। तो ये कौन है? ओह डू यू नो अबाउट थिक फैट? क्या तुम थिक फैट के बारे में जानते हो? पता नहीं क्या चीज़ होती है, मैं नहीं जानता। साइकिल जियोरेज सिक स्की स्कायर, क्या कहते हो स्कीयर होता है ना, स्कीन करने वाला, स्कीयर। मेटल बैश ओ वाटर गन, अरे कुछ नहीं होने वाला भाई। ले एक और वो मेटल बैश उठा दो इसे। वाटर गन अटैक, अच्छा ये बात है। मेटल बैश हमने हरा दिया गाइस इस फी हेले को। 91 एक्सपीरियंस पॉइंट। अगला कौन है? ब्रीमाइट। एक और मेटल बैश उठा दो इसे। यस हार्ड एन अटैक। ओ एक और मेटल बैश। ओ कुछ पावर तक पर पाउडर स्नो ने कर दिया मेरी बैंड बजा दी, बॉट नॉट इफेक्टिव। टैकल अटैक। ओ यस स्कीयर, क्या है यार स्काइडर बोर्ड नहीं जा रहा मेरे को, ये क्या होता है स्काइडर स्कूर स्कीयर स्कीयर। हम वापस चलते हैं अब नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे फिर जीतना है। ये पोकेबॉल एक मिल चुकी है हमें, जो हमें पोकेमोन पकड़ने के काम आएगी। आगे चलते हैं हम नीचे की तरफ, और है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रॉकी। है रॉकी, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम मुझे यहाँ मुझे हाँ मिलोगे। मिलोगे। तुम्हें मैंने सोचा प्रोफेसर नहीं था। लोग और किसी के भी काम शुड के यू लिए बी इतना नहीं रनिंग दौड़ना अरेंड फॉर चाहिए। लोग या समथिंग के तुम किसी काम के लिए दौड़ रहे हो। दैट चिस्प चीप स्केट कैन डू एनीथिंग हिमसेल्फ। वाह दैट लोग गेव यू समथिंग फॉर मी, क्या लोग ने मेरे लिए तुम्हें कुछ दिया है? रॉकी हैंडेड एट द पॉकेटैक्स ओवर ऋषभ। हाँ पॉकेटैक्स दिया था मेरे को एक तेरे लिए ऋषभ। ले ओ रोकी ना, अब प्रोफेसर लोग की आवाज़ मेरे कानों तक कभी नहीं रुकेगी। वेल इफ लोग हैज़ यू फूलिंग दिस आउट, लेट सी इफ योर पोकेमोन कैन बीट माई दिस टाइम। आजा भाई देखते कौन जीतता है। तो भाई राइवल ऋषभ, आजा भाई स्वाइनब। तो स्वाइनब लेकर आ चुके हैं, कोई बात नहीं। पाउडर स्नो अटैक कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे हमें। ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, मैंने एक खरीद लिया था। एवेकिंग होगा मेरे पास एक, प्लीज़ प्लीज़ एवेकिंग होना चाहिए। ओ आइस ही ले, एवेकिंग से तो सोए हुए को जगाया जाता है। अभी कहाँ सोया पड़ा ये हमारा बैल्डम। तो किसी तरह इसमें एक एक हिट लग गया तो ये ख़त्म है, बस मेटल बैश लग जाए और कुछ नहीं चाहिए। मेटल बैश एक और बार। ओ माय गॉड, अरे मेटल बैश सुपर इफेक्टिव मूव लगा है, और 50 लेवल को हो चुका है बेल्डम। ओ गिबेल, ओ माय गॉड गिबेल टैकल अटैक करेगा। अरे कोई बात नहीं, चाहे तू इससे कोई सा अटैक करा, तेरा गिबेल अच्छा लेवल कर लिया तूने यार। ओ मुझे जल्दी कराना पड़ेगा, फायर फैंग अटैक है इसके पास, मुझे पहले ही पता था। एवॉइड कर लिया मेरे बेल्डम ने फायर फैंग। बस बस एक मूव में क्रिटिकल हिट लग जाए, और मुझे जल्दी से देना पड़ेगा पोशन, वरना मैं तो गया भाई, दिन दहाड़े मर जाऊंगा और छोड़ेगा भी नहीं ये मुझे। फायर फैंग, अरे भाई इसकी टांग। कोई बात नहीं, शुक्र मनाओ मैंने एक्स्ट्रा रिपल रख रखे थे, बहुत अच्छी बात है मैंने एक्स्ट्रा रिपल खरीद लिए थे मेरे लिए, क्योंकि मेरे काम आ सकते थे। एक मेटल बैश अटैक, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। ओ यार क्या किस्मत है, बहुत बुरी किस्मत है। वो एक और मेटल बैश और ये खेल ख़त्म तेरे गिबेल का, फैंटेड कर दिया है गिबेल को। आहा ऋषभ मान गया ना मेरे को, मैं हूँ कौन हूँ रॉकी। यह आई गेस आई कैन हेल्प विल दिस थिंग आउट इफ़ इट लीड्स टू मी बिकमिंग स्ट्रोंगर। ये मुझे और ज़्यादा स्ट्रोंग बनाएगी,
आई विल टेक इट, मैं से ले लेता हूँ। वैन आई फाइंड माई पेरेंट्स, जब मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ लूँगा तो वो मुझे इतने दिनों बाद देख करके हैरान हो जाएंगे। हो मैं तुम्हें मेरी मदद के लिए तुम्हें कुछ चीज़ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए पोकेडेक्स लेकर आए। थैंक्स। तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे जिम लीडर चैलेंज में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम लीडर चैलेंज रॉकी, देयर आर एट जिम्स इन बोरिस लीग। बोरियस, यहाँ बोरियस लीग में 8 जिम्स हैं। अगर तुम उन सबों को हरा देते हो तो तुम एक पावरफुल ट्रेनर बन जाओगे। आई स्टार्टेड माई चैलेंज ऑलरेडी, मैंने अपना चैलेंज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बट आई हैड ए टॉक टाइम इन ड्रेस्को टाउन। द जिम लीडर देयर कीप्ड यूजिंग पॉइजन पाउडर। जिम लीडर है एक ड्रेस्को टाउन में, वो पॉइजन पाउडर इस्तेमाल करता है। ऑन माई पोकीमोन, मेरे पोकीमोन में किया था। सो आई सर्चड फॉर ए वे द परमानेंट दैम फॉर बिकेमिंग पॉइजन। फॉर्चुनेटली आई फाउंड दी। किसी तरह से मैंने पीचा बेरीज को ढूंढा फिर, और फिर मैंने उससे फाइट करी। फाइट के वक्त मेरे पोकीमोन ने बेरीज खाई और फिर से वो तंदुरुस्त बन गए। कह रहा है कि उसके पोकीमोन ने पॉइजन। आगे गुड लक रोकी, तुम्हें भी तुम भी यही यूज़ करना पीचा बेरीज, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तब हम हर बार बैटल करेंगे, इस बार मैं ही जीतूंगा। आई प्रोमिस यू दैट। अब मैं चलता हूँ। तो मिशन एक अपडेट कर लिया नया वाला कि इससे बैटल करनी है, तो रिपल कर लेते हैं और ये बंदा बैटल ना करे हमसे। मेरा इससे बैटल करके फिर चलता हूँ मैं। आजा भाई तेरा राटाटा लेके, वो तो देख के पता लग रहा है कितना पावरफुल है। देखते हैं मेरा मेटल बैश का कैसे सामना करता है। एक अटैक की जान नहीं लगता, इसमें कुछ हो कुछ कर पाए तो बड़ी बात है, उसके कह नहीं सकता। 71 एक्सपीरियंस पॉइंट सेंट रेट। मेटल बैश उड़ा दो इसे। ओ क्रिटिकल हिट ले, 61 एक्सपीरियंस पॉइंट यंगस्टर जॉई और 160 मोह मिल चुके हैं हमें रुपीस। मैं फटाक से अपने पॉकेट में हील कराता हूँ। चलते हैं गाइस, सब हम आगे। एक ऊपर पोकी बॉल है जो मैं ले नहीं सकता। अब ICC के फर्स्ट एफ आ चुका है, फर्स्ट फ्लोर सुपर पोजिशन मिल चुका है हमें। चलते हैं नीचे की साइड। ये हमारा केएफ से एंट्रेंस। ओ हो ये क्या पहुँच कौन है। ऑल राइट ग्रैंड्स, आवर करंट ऑब्जेक्टिव इज टू हेड द सिंडर वोल्केनो। और हमारा अगला जो निशाना है वो सिंडर वोल्केनो है। एंड हेल्प इवोरी ऑब्टेन स्पीसीएस ट्रीज। यस सर, आई विल टॉलरेट नो स्क्रीम यूप्स। लास्ट टाइम सम किड नोटिस, लास्ट टाइम कुछ बच्चों ने एंड हमें नोटिस किया था इस बात पर। एंड ट्राई टू इंटरफ्री, आई कैंट हैव दैट हैपनिंग अगेन। मैं नहीं चाहता कि वापस हो। वी डोंट हैव टू लग्जरी ऑफ द डीलिंग विद हिम नाउ। कीप ए लो प्रोफाइल एट ऑल कॉस्टेस एंड नो मैटर द व्हाट डू नॉट गेट नोटिस। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर। ओके यस सर, मूव आउट। चलो अब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कोई होगी बात ही है। हम ICC केव से बाहर निकल चुके हैं और साइड में क्या है देख के आते हैं एक बार। कौन क्या कर रहा है तू यहाँ। टू ईस्ट ऑफ द हेयर बियॉन्ड द स्मॉल वॉटरी पैसेज दैट इज ए रूट 15 लीव्स वीविल टाउन। तो ये देख रहा है, ये रास्ता है जो वीविल टाउन की तरफ जाता है, ये वाला रूट 50 वीविल टाउन की तरफ। यू कैम डाउन फ्रॉम द माउंटेन, यू मस्ट बी एक्सक्यूड। लेट मी टेक केयर ऑफ योर पोकेमोन। थैंक्स लेडी। हमारे पोकेमोन हील हो चुके हैं, मैं यहीं से हील करा लेता, मैं क्यों गया यार इतने दूर। वेलकम टू द चैलेंज, तुम्हारा एक्सप्लोर रोड में स्वागत है। देखते हैं तुम कितने पावरफुल हो। आ जाओ अंकल जी। हा हा हा, हाइकर वाइन। तो रेगन रोला को भेजा या आपने, कोई बात नहीं, रेगन रोला को देख लेंगे हम। ट्रांसफॉर्म ना, ट्रांसफॉर्म नहीं है तो थोड़ा सा पावर लेवल बढ़ गई होगी इसकी, और कुछ नहीं हो सकता। मेटल बैश का एक और हमला, टैकल अटैक से कुछ नहीं होने वाला अंकल, चाहे आप पूरा जोर लगा दें अपना। और अगला कौन है, ड्राइवर। अरे ड्राइवर तो बहुत गजब लगता है मेरे को यार। अरे कहना क्या चाहते हो। ऑन क्लोव्स। ओ मेटल बैश गो। और एक और रैपिड स्पिन है यार, ये तो बहुत रैपिड स्पिन कर दिया। एक और मेटल बैश, आपके जीतना है। गो मेटल बैश का हमला, उड़ा दो इसे। यस आखिरकार तुमने कर दिया बेल्डम, तुमने हाइकर वाइने को हरा दिया। अब चलते हैं हम आगे। हे किड सुनो, रोड इज ये, यहाँ से रोड आगे का रोड बहुत सारे ट्रेनर्स
ट्रेनर रहे हैं इससे आगे के रोड पर, जो तुमसे बैटल कर रहे हैं, बैटल करेंगे और इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। सम पीपल हैव बीन ड्यूबेड इज ए चैलेंज रोड, कुछ लोग इसे चैलेंज रोड भी कहते हैं। बट है आई अंडरस्टैंड इफ़ यू डोंट वॉन्ट बैटल देम, मैं जानती हूँ तुम उनसे बैटल नहीं करना चाहते। तो यूजिंग माई अमेजिंग साइकिक पावर, तुम मेरी अमेजिंग साइकिक पावर को इस्तेमाल करके देखो। आई कैन टेलीपोर्ट यू टू देयर अदर साइड ऑफ द फोर्ट फ्री, मैं तुम्हें इन ट्रेनर से बिना फाइट करे तुम्हें दूसरी साइड भेज सकती हूँ अपने टेलीपोर्ट पावर से। तुम्हारा क्या कहना है बताओ? ठीक है ठीक है, हे अरे आओ हम चलते हैं। आबरा कडाबरा रेनिकुलिस, ओ रूट टू पे। अरे दीदी आपकी बात तो सच हो गई। अरे थैंक यू, आखिरकार पहुंच गया मैं ड्रिस्को, ड्रिस्को टाउन की तरफ। ड्रिस्को टाउन में स्वागत है हमारा, किसी ने स्वागत नहीं करा। ड्रिस्को टाउन में जाने से पहले इस बंदे से बात कर रहे थे। आई कैन सी डिहेरा सिटी फॉर्म हेयर, मैं यहाँ से डिहेरा सिटी को देख सकता हूँ। देख ले जा, ये क्या है, ये क्या है, एक मिनट, ये है क्या वैसे, एक मिनट, ट्रेनर हाउस है तो यहाँ मैं बैटल कर सकता हूँ ट्रेनर हाउस में जा कर के। कितने ट्रेनर से यहाँ, क्या करना दीदी? हाउ कैन आई हेल्प यू विद समथिंग? हील पोकेमोन इन फॉर चेंज पोजिशन, देखते हैं क्या होता है यहाँ। इसे बैटल करता हूँ, फिजिकल डार्क फ्यूरी। ओह भाई यहाँ तो बैटल करने वाले ट्रेनर्स, सिक्स पोकेमोन तुम्हारी एस्तेसी, मेटल बैश, विंग अटैक। चलो देखते हैं ट्राई करके हम कितना बैटल कर सकते हैं यहाँ। डार्क टाइप पोकेमोन है जो मेरे लिए बहुत बड़ी बैटल हो सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बैटल, अरे यार क्यों आ गया मैं ट्रेनर हाउस में, तो ट्रेनिंग और नहीं कर रखी यार, बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं है, पर फिर भी जीतेंगे हम। गो कर सकते हो बेल्डम, एक को तो हरा के हरा। 16 लेवल का बेल्डम हो चुका है हमारा, 16। पैनचैम मेटल बैश का हमला पैनचैम पे करो, जल्दी करो, उड़ा दो पैनचैम को। अगला कौन है, कॉमेट पंच। ओ माय गॉड कॉमेट पंच का हमला, गो बेल मेटल बैश, एक और, गए हम तो काम से। ओ माय गॉड, तो गाइस हम हार गए इस ट्रेनर हाउस में जा कर के। कहाँ है वो, नीचे की साइड ही है। तो हम चलते हैं, हम हार गए थे, हम पोकेमोन सेंटर में आ गए थे, तो कुछ नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं थी। तो गाइस वीडियो के एंड करने का वक्त आ गया है, तो गाइस द एंड ऑफ वीडियो। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना। अगला पार्ट एपिसोड जल्दी आएगा इसका, 4 एपिसोड, उसे पक्का देखिएगा। पहले इसे देखिए, इसे खूब प्यार दीजिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।